आज हम व्युत्पत्ति के लेक्चर में एनटीए क्वेश्चन पेपर पेपर 70 केमिस्ट्री जेई मेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने पार्ट वन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम पार्ट टू की ओर हैं, जहां हमारा पहला क्वेश्चन है कि यहां पर आपको कॉलम वन में कुछ कंपाउंड्स दिए हैं और कॉलम टू में उनके नेचर के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम कॉलम वन में जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं उनके बेसिक नेचर को देखते हैं। तो बेरिलियम ऑक्साइड है यहाँ पर, वो एक पहले वो बेस की तरह काम कर रहा है, फिर वह एसिड के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। देन हम देख रहे हैं कि यही बेरिलियम ऑक्साइड एक बार एसिड की तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड में बेस में सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब इसका जो नेचर है वो एम्फोट्रिक नेचर, ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। देन हम NaHCO3 के बारे में देखते हैं, अगर हम इस कंपाउंड को तोड़े तो हमें सोडियम प्लस और हाइड्रोजन कार्बोनेट माइनस मिलता है। तो हम क्या देखते हैं कि सोडियम का जो कलर है वह फ्लेम टेस्ट में गोल्डन येलो या येलो आता है, और यह एक पॉलीमेरिक नेचर होता है, इसका पॉलीमेरिक नेचर का होता है। ये सारी चीजें आपको क्लास 11th के एस ब्लॉक में मिलेगी। देन बेरिलियम क्लोराइड, यहाँ पे बेरिलियम अपना सेंट्रल मेटल एटम है, 2s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करता है। यहाँ पर हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंट्रल मेटल पर कोई भी लोन पेयर नहीं है और यह लीनियर स्ट्रक्चर है। देन सीजियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड का फ्लेम टेस्ट में कलर ब्लू आता है और सीजियम का मतलब ही स्काई ब्लू होता है, और O2 माइनस यहाँ पर सुपर ऑक्साइड है, यहाँ पर सीजियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। देन हम देखते हैं कि ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में एटमिक साइज सुपर ऑक्साइड का ज़्यादा होता है, सुपर ऑक्साइड का साइज बड़ा है, यहाँ इसका साइज बहुत ज़्यादा लार्ज है। ज़्यादा लार्ज साइज होने के कारण यह सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जो साइज में बड़े होते हैं, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो अगर आपका एलिमेंट छोटा है तो वह ऑक्साइड फॉर्म करेगा, अगर एलिमेंट का साइज बीच का है तो वह सोडियम पेरोक्साइड फॉर्म करता है और यह सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अगर ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड मिलता है, लेकिन पेरोक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक्स्ट्रा में मिलता है। एंड सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड मिलता है। इन सभी नेचर्स को अगर हम एक साथ एक जगह देखें तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी, जहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 2PQST दिया हुआ है, एम्फोट्रिक नेचर है, ये कलर शो करता है फ्लेम टेस्ट में, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है ड्यू टू पॉलीमेरिक नेचर वहां पे बनता है, हैव अ चेन स्ट्रक्चर। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, सीजियम ऑक्साइड के केस में फोर्थ है, यहाँ पर QR आप देख सकते हैं कि ये फ्लेम टेस्ट दिखाता है और ये H2O2 और O2 भी प्रोड्यूस करता है। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पर आपसे पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट एंड कंबशन फॉर द एल्केडाइन। याद रखना कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्केडाइन्स डिपेंड्स ऑन डेल्टा एच कंबशन, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और याद रखना है कि ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। तो अब हम देखेंगे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चों यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन ट्रांस है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ट्रांस है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सिस है, इस केस में यहाँ ट्रांस है, इस केस में ये सिस है और यहाँ भी सिस है। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस, फिर सिस सिस। तो अब हम यहां पे देखते हैं कि हम पहले वाले कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, आप यहां देख सकते हो कि यहां पे हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में है, ट्रांस ट्रांस, देन आप देख सकते हो कि यहां पे हाइड्रोजन यहां और यहां, और यहां पे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, मतलब यहां पे ट्रांस और सिस, और लास्ट वाले में दोनों ही सिस आएगा। तो अगर स्टेबिलिटी देखें तो 1 की ज्यादा 2 की देन 3 की आएगी, लेकिन अगर हीट एंड कंबशन की बात करें तो ये ऑपोजिट होगा और ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन
हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है. सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि क्यूबिक स्ट्रक्चर है, एटम्स एक्स एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड एटम वाई आर एट टू नॉन एडजेसेंट फेस सेंटर. सबसे पहले देखते हैं कि ये ऐसा क्यूब होता है. उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर, कॉर्नर में एट एटम्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 1. और फेस पे दो एटम्स हैं और इनका कंट्रीब्यूशन, अब आप देख सकते हो कि अगर हमने कोई प्लेन यहाँ पे जहाँ पे ये ग्रीन कलर का दे रहा है, अगर इसको लिया तो ये एक सरफेस और एक नीचे की सरफेस को कंसिडर करता है, तो ये भी 1 हुआ. तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है. देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बोरोन एटम्स इन एनायनिक पेयर ऑफ बोरेक्स. तो सबसे पहले तो बोरेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद बैक बॉन्डिंग की बात करेंगे. तो बोरेक्स का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको कहाँ मिलेगा, क्लास 11th के ग्रुप 13 में हमने बोरेक्स पढ़ा है. तो वहां पर आप देख सकते हैं कि बोरेक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Na2B4O5OH4.8H2O में. इसके एनायनिक पार्ट को हमने लिखा. अब इस एनायनिक पार्ट का आपको ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर. तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है. तो हमने बोरॉन को 4 ऐसे लिखा. हमारे पास टोटल ऑक्सीजन का नंबर 5 है, हमने उसे इस तरह लिखा. देन जो हमारे पास एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचा है उसको ऐसे लिखा. देन OH, OH और OH. अब बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर आएगा, जहां पर अब यहां पे जो बोरॉन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है, क्योंकि इसके 3 सिग्मा बॉन्ड है. और यहां पर जो बोरॉन है उसके 4 सिग्मा बॉन्ड है, वो sp3 है. और याद रखना बोरॉन sp3 तक ही अपने हाइब्रिडाइजेशन को एक्सटेंड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं. तो हमें पता है कि देखो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, यहाँ पर 2D नाम की कोई चीज नहीं होती है. तो मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मैक्सिमम sp3 होगी. मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, sp3. लेकिन जब ऑलरेडी यहाँ पर sp3 दो बोरॉन पे बन चुके हैं, तो अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन या बैक बॉन्डिंग के चांसेस नहीं है. तो अब जहां sp2 है वहां पर बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है. कैसे, बोरॉन जहां पर sp2 है, लेट्स से मान लो कि यहां पर वो sp2 है, मतलब एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, और वैकेंट p ऑर्बिटल है और उसके साथ अटैच्ड है OH. अब ये OH क्या करेगा, बोरॉन के p ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा थ्रू बैक बॉन्डिंग. तो sp2 पहले क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैक बॉन्डिंग को बैक बॉन्डिंग करने के लिए हमारे पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और डोनर ग्रुप होना चाहिए. तो डोनर ग्रुप ऑक्सीजन के पास है और बोरॉन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल. तो अगर इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट है. देन हम देखते हैं बच्चों कि नेक्स्ट प्रॉब्लम जहां आपसे पूछा गया फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में. तो देखो यहाँ पे यूरिया और सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे अगर हम सबके पार्टिकल्स काउंट करें तो 2 पार्टिकल है, यहाँ पर 3 पार्टिकल आ रहे हैं, ये 2, यहाँ का 1, यहाँ 1, फिर ये 3, 1, 4, और यूरिया के लिए 1. तो फ्रीजिंग पॉइंट का अगर नंबर 1, 2, 3, 4 सभी का आ रहा है, यूरिया के लिए 1, सोडियम क्लोराइड के लिए 2, सल्फेट के लिए 3 और सोडियम फॉस्फेट के लिए 4. तो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. देन यहाँ पे आइसो फॉर्मल्डिहाइड को दिया है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. तो क्या क्या पूछा है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोलिसिस बोल रहा है करने. तो अपने ने हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मल्डिहाइड लिखा, CH3 के ऊपर माइनस चार्ज, Mg के ऊपर प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होगा, फिर होगा HCO- Mg प्लस I CH3 एंड H, देन हाइड्रोलिसिस मतलब H3O+. अब क्या होगा कि वो O- OH बन जाएगा CH3, और ये अपना प्रोडक्ट का नाम है इथाइल एल्कोहल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि
इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड एल्काली OH माइनस ट्राईमिथाइल एसिटिल्डिहाइड का क्या होगा, ट्राईमिथाइल एसिटिल्डिहाइड का क्या होगा? देखते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन तो कभी नहीं होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन कभी नहीं होगी, तो यहाँ पे जो रिएक्शन बची है वो है हमारी केनाइजारो रिएक्शन, क्योंकि वही स्ट्रॉन्ग बेस में होती है। देन हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ है, एल्डोहेक्सोज एंड यहाँ पर देखिए कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है एल्डिहाइड, ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड, और फ्रुक्टोज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस ब्रोमीन वाटर से पॉसिबल है, आप इसको कार्बोहाइड्रेट पार्ट में ज़रूर देख सकते हो। तो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एल्डोहेक्सोज है और फिर फ्रुक्टोज, ये कीटोज कहलाता है और इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के सेपरेशन को या उनके डिफरेंस को समझने के लिए हमें पता है कि हम ब्रोमीन वाटर का यूज करते हैं। तो अगर कीटोन में आपने ब्रोमीन और वाटर का यूज किया तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर आपने एल्डिहाइड में ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन किया तो आपकी रिएक्शन होती है। तो इस तरह जो हमारा आंसर है ब्रोमीन एंड वाटर है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखो, सबसे पहले याद रखना कि अगर कोई ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो ऑल एटम्स आर इन प्लेन, ऑल एटम्स आर इन प्लेन, ओके फाइन। देन उसके बाद, लेकिन यहाँ पे अपने डबल बॉन्ड का नंबर क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का नंबर है 2, तो मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा स्टीरियो समझना होगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3 बोला, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स C1 और C2 प्लेन ऑफ पेपर में प्रेजेंट है, मतलब ये अगर C1 है और ये C2 है तो ये प्लेन ऑफ पेपर में प्रेजेंट है, लेकिन C2 एंड C3 स्पेस में होगा, C2 एंड C3 स्पेस में होगा वो, तो अब क्या होगा बच्चों? और फ्लोरीन और H फिर क्या होगा? फ्लोरीन और H फिर हमारा आ जाएगा प्लेन में, फ्लोरीन और H आ जाएगा प्लेन में, मतलब कि अगर आपका मॉलिक्यूल पहले स्पेस में है, फिर वो आएगा पेपर पे, फिर स्पेस, फिर पेपर, मतलब अगर आपके स्टार्टिंग के 2 मॉलिक्यूल प्लेन में हैं तो वो फिर पेपर में आएंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे C1 और C2 प्लेन में है, C1 और C2 प्लेन में है, तो यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन स्पेस में है, फिर C2 एंड C3 फिर से ये स्पेस में है, C2 एंड C3 फिर से स्पेस में है, और C1 और C2 पेपर में, क्लोरीन और हाइड्रोजन स्पेस में, और फिर से पेपर में हमारा है फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे बोल रहा है कि C2 एंड C3 एंड क्लोरीन प्रेजेंट इन अ सेम प्लेन, इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंट प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। बच्चों प्लेन का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई पेपर अगर ऐसा है तो उसके परपेंडिकुलर कोई पेपर हम ऐसा कर दे, ठीक है, तो इसी को ही बोले कि डिफरेंट प्लेन में है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन जहां पर आपसे pH पूछा जा रहा है, तो pH कैसे निकालते हैं, उससे पहले हम जरा ये आयनिक इक्विलिब्रियम के सॉल्युबिलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि KSP कैसे निकालते हैं। KSP निकालने के लिए ये है, हमको ऑलरेडी गिवन है कि KSP की वैल्यू, हमें ऑलरेडी KSP की वैल्यू 10^-21 गिवन है, और उसके बाद हमें जिंक का कंसेंट्रेशन गिवन है, टोटल कैलकुलेट करके 10^-19 आ रहा है, हमने कंसेंट्रेशन ऑफ H2- कैलकुलेट कर लिया। देन हमने KH2S का जो फॉर्म यूज़ करते हैं ऐसे, उसके बाद हम यहाँ पर H+ की जगह X का स्क्वायर कर देते हैं, फिर H2- into 10^-19 डिवाइडेड बाई H2S का कंसेंट्रेशन इज 0.1, KH2S इज 10^-20, अगर हम X की वैल्यू निकालें तो वो आएगा 0.1 क्या H+ आया। अब हमें निकालना है pH,
तो पीएच कैसे निकालते हैं, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस यहाँ पर आया 0.1, फिर इसको किया माइनस लॉग 1/10, और हमें क्या पता है कि लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। तो अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करो तो आप देख लोगे कि माइनस लॉग 1 प्लस लॉग 10 आ जाएगा, और लॉग 1 0 और लॉग 10 की वैल्यू 1, तो पीएच आएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। देन हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं जहां पर पूछा है टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक अल्कोहल। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक अल्कोहल क्या बोलता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है कि C4 है, C4 है मतलब ब्यूटेन से स्टार्ट होगा, साइक्लो ब्यूटेन से स्टार्ट होगा, तो साइक्लो ब्यूटेन से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले साइक्लो ब्यूटेन देखते हैं, तो साइक्लो ब्यूटेन C4 हो गया, उसके बाद एक OH फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप काउंट कर लिए, ये हो जाएगा C4H7OH। देन उसके बाद हम देखते हैं कि CH2OH, ये एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबल है स्ट्रक्चर। देन एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि हमने क्या किया कि CH2, CH3 और OH को सेम कार्बन पे लगा दिया, ये एक तीसरी पॉसिबिलिटी है। फिर इसमें पॉसिबिलिटी एक और कंपाउंड की है कि हमने CH3 और OH को, सॉरी बच्चों यहाँ पर H है, और CH3 और OH को एक दूसरे में ट्रांस रखा, और यहाँ पर CH3 और OH को सेम साइड रखा और दोनों हाइड्रोजन को नीचे की ओर, तो ये सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा ट्रांस। तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पर 5 है, तो यहाँ ऑप्शन 5, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 5। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है वीक फील्ड, सबसे पहले देखो कि वीक फील्ड बोल रहा है, निकल 2+ की बात हो रही है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, और पूछ क्या रहा है T2G लेवल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। निकल का अगर आप सॉल्व करोगे तो 3D8 4, तो निकल 2+ इज 3D8। ऑक्टाहेड्रल में मॉलिक्यूल कैसे टूटता है, ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि यहाँ पे बात की गई है T2G की, मतलब यहाँ पे G है, तो यहाँ पर आपका D ब्लॉक या D ऑर्बिटल ऐसे टूटेगा, नीचे वाले को T2G, ऊपर वाले को EG बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स D8 दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम 3D लिखेंगे, यहाँ पे D8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, WFL है, WFL है मतलब 1/1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बच्चों, तो क्या आएगा T2G 6, EG 2। तो अगर हम अपने आंसर को देखें तो हमारा आंसर आएगा 6। थैंक यू सो मच, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। थैंक यू सो मच।